नमस्कार दोस्तों, मैं सनी प्रताप सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ये वीडियो बनाने के पीछे का कारण क्या है, तो आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि आपके सवाल जो हैं उनका मैं जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इन सवाल कौन कौन से हैं पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उन सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा जो आपके मन में बहुत ज्यादा दुविधा बना हुआ है कि हम प्रिपरेशन करें या ना करें। क्या मेरा सीजी एसआई का प्रीलिम्स क्रैक होगा कि नहीं होगा, क्या मैं मेंस की प्रिपरेशन करूं या ना करूं, अगर मैं मेंस की प्रिपरेशन करता हूं तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर मेरा मान लो नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, और ये सारी चीजों का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं अपने बारे में पहले मैं बता देता हूं दोस्त। तो मेरा नाम है सनी प्रताप सिंह और मैंने यहाँ पे बिलासपुर में करीब 7 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे टीचिंग मतलब आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन करा रहा हूँ और एक मैं मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश का फैकल्टी हूँ। दूसरी बातचीत बच्चे यहाँ पे कि मैंने खुद एक जॉब लिया हुआ है बट मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया और उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हमने भी तैयारी की है, हमने भी प्रिपरेशन किया है और हम भी कुछ एग्जाम को क्रैक किए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने रेलवे का एनटीपीसी 2015 को क्रैक किया था, उसमें मुझे गुड्स गार्ड्स की पोस्ट पे चयन हुआ था बट मैं टीचिंग पे ज्यादा इंटरेस्ट रखता था जिस कारण से मैंने उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया। उन्हीं एक्सपीरियंस को लेकर आज मैं आपके सामने इन सारे सवालों का जवाब लेके आया हूं। तो सबसे पहली बात बच्चे, बहुत सारे बच्चों का सवाल तो सबसे पहला ये है कि मेंस की हम लोग प्रिपरेशन करें कि नहीं करें, सीजी एसआई का जो मेंस होगा सर उसकी प्रिपरेशन हम करें कि नहीं करें, ऐसा सबसे पहला सवाल ये आ रहा है। दूसरा सवाल ये आ रहा है सर मेरा कट ऑफ जो है, कट ऑफ जो आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया है, मैं पहले ही बोल रहा हूं ये कट ऑफ फाइनल नहीं है, फाइनल अभी आएगा तो उसका वेट कीजिए, बट वेट करेंगे लेकिन अगर उसमें समय लग गया तो अपनी प्रिपरेशन को डिस्टर्ब ना करें, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। तो ये हमारा जो प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से हमने आपको कट ऑफ बताया है, तो वो एक प्रिडिक्शन है बच्चे, मैं आपको फिर से कहूंगा केवल वो प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो उस प्रिडिक्शन में अगर आप बैठ रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी बैठ रहे तो कोई बात नहीं, आप वेट कर सकते हैं, बट वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया। सबसे पहली बात तो मैं आज सारे सवाल का जवाब आपको देना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मेंस में आपको बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे पहला सवाल ये था। दूसरा आपका कट ऑफ से रिलेटेड सवाल था कि सर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आए कि सर मेरे 40 आ रहे हैं, मेरे 30 आ रहे हैं, मेरे 45 आ रहे हैं, मेरे 50 आ रहे हैं, मेरे 55 आ रहे हैं, क्या मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का कॉल भी आया और बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस भी पड़े हैं और कमेंट भी पड़े हैं, तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपके सामने पहले कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं और फिर मैं मेंस पे आऊंगा कि किन्हें तैयारी करनी चाहिए और किन्हें तैयारी और ज्यादा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करनी चाहिए, उन्हें भी करनी चाहिए, क्योंकि कारण क्या है वो सारी चीजों का जवाब आज आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जो हमने प्रिडिक्ट किया है बच्चे, वो एक प्रिडिक्शन जो दिया है उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे तीन प्रकार के बच्चे स्टूडेंट हैं, तीन प्रकार के स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे सवाल आ रहा है। एक तो ये है कि जो हमने प्रिडिक्ट किया है उसको वो आसानी से मतलब वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, उसके हिसाब से उनका कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है, तो उन्हें तो दिक्कत नहीं है, उन्हें तो मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे जिसके भी 50 के ऊपर मार्क्स हैं उन्हें तो एकदम मजबूती से लग जाना चाहिए मेंस के लिए, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि 50 बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं है भैया, मैं पहले ही बोल रहा हूँ 50 कोई ज्यादा नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा थी इसलिए इतने में काम आपका शायद चल जाए, वो फिर से बोल रहा हूँ शायद चल जाए, प्रिडिक्शन है, ठीक है ना, ये आपका फाइनल बात नहीं, हम केवल एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई बाबा नहीं है कि मेंस का बच्चे इतना आएगा, ऐसा हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो मेरी बात अन्यथा मत लेना बट बात सच्चाई यही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल प्रिडिक्शन कर सकता है, ठीक है। तो मेंस में 50 के ऊपर है तो आपको ठीक है लगे, लेकिन उससे कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नहीं होगा, हो सकता है कट ऑफ और गिर जाए, कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चे सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसी पेपर में बहुत सारे बच्चों ने 70+ मार्क्स भी स्कोर किया है, हमारे खुद के पढ़ाए हुए बच्चों ने स्कोर किया है 70+, लेकिन उनकी एक विशेष बात थी, वो एक आध जॉब में पहले से लगे हुए हैं, जैसे भले छोटी से छोटी जॉब हो, चाहे वो पटवारी में, चाहे वो रेलवे के जो ग्रुप डी का पेपर होता है उसमें क्वालिफाई किए हुए हैं, मतलब उनका एग्जाम निकला हुआ है, उनके मार्क्स बच्चे देखा गया है तो 70 के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो सिलेक्शंस लेना है प्रीलिम्स में जिनको क्वालिफाई करना है वो लगभग 20,000 के आसपास है, ठीक है। तो 20,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और इतने ज्यादा लोगों ने पेपर नहीं दिया था, तो उस हिसाब से 50% तो भैया एकदम फालतू में जाते हैं पेपर देने, वो केवल फॉर्म भरे रहते हैं, तो उनसे कॉम्पिटिशन नहीं है, बचे हुए लोगों से कॉम्पिटिशन है, तो इतने ज्यादा लोग थे ही नहीं
कि जिससे ज्यादा आपका कंपटीशन हो, बहुत आसानी से ये एग्जाम को फाइट करके क्रैक किया जा सकता था प्रीलिम्स का। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आपका 50 के ऊपर भी होगा तो प्रीलिम्स आपका क्रैक हो सकता है, फिर से बोल रहा हूं प्रिडिक्शन है। लेकिन अगर प्रीलिम्स आपका क्रैक होता है तो आपको मेंस में जुड़ जाना चाहिए, कैसे जुड़ना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में हैं, जो कट ऑफ के कंफ्यूजन में हैं, हो सकता है उनका नंबर 40 टू 50 आ रहा हो या फिर लेस देन 40 भी आ रहा हो, मतलब 40 से कम आ रहा हो या 40 से 50 के बीच में आ रहा हो। तो वो बच्चे बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में बेचारे कि सर मैं प्रिपरेशन करूं कि ना करूं। तो मेरा एक सवाल है दोस्तों, ये बताओ अगर आपका 40 से 50 नंबर आ रहा है और जिसमें माइनस मार्किंग नहीं था, तो ये बताइए आपकी प्रिपरेशन क्या अच्छी थी? तो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी, आप कहीं ना कहीं मिस किए हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप अगर बोलोगे कि सर मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए क्या, तो भैया आपको तो प्रिपरेशन और लगेगा, ठीक है ना। अब आप बोल रहे होंगे सर प्रिपरेशन लगेगा तो हम मेंस की करेंगे कि नहीं करेंगे ये बता दो। तो भैया देखो मेंस की प्रिपरेशन आप देखिए, मेंस में एक्चुअली आ क्या रहा है पहले तो ये समझो, मेंस के सिलेबस में है क्या क्या। तो तीन पेपर है बच्चे, एक हो गया पेपर वन। अब देखो पूरी बात को सुनना, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना तब क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। कमेंट करने के पहले पूरे वीडियो को देख लेना। एक हो गया पेपर टू और एक हो गया पेपर थ्री, जैसा अभी कहा जा रहा है उसके हिसाब से ये तीन पेपर है, ठीक है। और पेपर वन में बच्चे लैंग्वेज है, ये बात आपको पता होगा मेंस में, और उसमें हिंदी आ रहा है और क्या आ रहा है बच्चे, इंग्लिश आ रहा है, ठीक है। पेपर टू में बच्चे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जीएस का पेपर है, जीएस में इंडियन जीएस भी होगा और आपका सीजी जीएस भी होगा। तीसरा पेपर थ्री जो है बच्चे वो किसका है, एप्टीट्यूड का। तो एप्टीट्यूड का जो पेपर है बच्चे उसमें अभी कुछ लिखा नहीं है, बस एप्टीट्यूड लिखा है, तो हो सकता है केवल मैथ्स आए, हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग दोनों आए। तो इस हिसाब से है अभी, अभी कुछ क्लैरिटी इतनी खास है नहीं, ठीक है ना, जो है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब बच्चे ये तीन पेपर है, तो एक बात बताओ अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन अगर आप रोक दोगे, आप बोलोगे सर मैं मेंस का प्रिपरेशन क्यों करूं मेरा जब प्री क्लियर नहीं हो रहा है, तो दोस्त आपको प्रिपरेशन की तो और ज्यादा जरूरत है क्योंकि आपके तो उतने भी मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको तो और अच्छे से करना है। अगर मान लो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गिरा और आपका क्वालिफाई हो गया तो मेंस में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन अगर मान लो मैं प्री नहीं भी निकलता है तो आप ऐसा थोड़ी है कि बाकी एग्जाम को छोड़ देंगे। अभी तो व्यापम की भी बहुत सारी वैकेंसीज आनी है सबसे पहली बात तो, लेकिन अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन देखो उनकी गलती नहीं है, इतना दिक्कत चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम होता है, तो नेगेटिविटी स्वाभाविक है हर एक इंसान में आता है। तो व्यापम के एग्जाम की मैं बात करूं तो अभी व्यापम के एग्जाम भी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भी आरक्षण का फंसा हुआ है स्टेट में, ठीक है। तो आरक्षण के मुद्दे के कारण हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। जैसे टाइम लग जाए तो मैं आपको एक बताऊं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल में पेपर हो जाएगा, शायद हो जाए, मैं उनकी बात काट नहीं रहा हूं, क्योंकि देखिए मुझे तो पता नहीं है कि कब पेपर होगा एग्जैक्ट, किसी को भी नहीं पता थी, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एक अपन डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 23 मार्च को, 23 मार्च से बच्चे यहां पे सुनवाई स्टार्ट होगी, आखिरी सुनवाई है, ठीक है, रिजर्वेशन वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, तो वो आखिरी सुनवाई चालू होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 23 मार्च को ही डिसीजन आ जाएगा, पहली बात तो ये, 23 मार्च से सुनवाई स्टार्ट होगी, हो सकता है एक हफ्ता लग जाए, हो सकता है एक महीना लग जाए, हो सकता है दो महीना लग जाए, हो सकता है तीन महीना लग जाए, तो टाइम तो लग सकता है, ठीक है। तो 23 मार्च से सुनवाई स्टार्ट होगी, 23 मार्च को डिसीजन नहीं होगा, सुनवाई और डिसीजन में अंतर होता है, क्लियर है। तो 23 मार्च से सुनवाई होगा, तो सुनवाई अगर मान लो 23 मार्च होता, मैं मान लेता हूं कि 23 मार्च को ही डिसीजन आ गया जैसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो सुनवाई स्टार्ट होगी, ठीक है, मान लो आ गया, तो फिर भी बच्चे कम से कम यहाँ पे उनको 10 दिन या 20 दिन का समय चाहिए होगा रिजल्ट को निकालने में, ठीक है ना, क्योंकि आरक्षण के हिसाब से। तो मान लो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ जाता है रिजल्ट, सपोज करो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ जाता है क्या रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कम से कम 45 से 50 दिन तो देगा ही, मतलब दो महीना कम से कम रहेगा ही। तो अप्रैल के बाद क्या होता है बच्चे, अप्रैल के बाद आता है मई, और मई के बाद क्या आता है बच्चे, जून। तो ये मई और जून तो आपके पास है ना, मई और जून, तो जून में पेपर हो सकता है बच्चे, जून में पेपर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हर चीज एकदम एक्यूरेट चलेगा, टाइम पे चलेगा तब, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरा, अगर आपके मन में लग रहा हो रोस्टर जारी करके कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो भैया वो नहीं कर सकते क्योंकि 50% के अंदर स्टेट गवर्नमेंट मानेगी नहीं, ठीक है ना, वो कभी होने नहीं देगी यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि 58% वाला संवैधानिक घोषित हो गया, दूसरा जो दूसरा वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, मतलब वो साइन नहीं हो रहा है यहाँ पे, हस्ताक्षर नहीं हो रहा है, तो ये सब मैटर में हमें नहीं पढ़ना है। अगर आप इसमें पढ़ जाओगे तो भैया पढ़ाई कौन करेगा, ठीक है। तो मैं एक एजुकेटर हूं, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपकी तैयारी करवा सकता हूं और आपको ये चीजें समझा सकता हूं कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो उसी प्लानिंग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात, ये अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, तो जून के पहले मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, हर एक किसी का प्रेडिक्शन होता है। मेरे हिसाब से जून तक में पेपर होगा मेंस का। अगर मान लो नहीं होता तो कोई बात नहीं, पहले हो गए तो अच्छी बात है। मेरा प्रेडिक्शन है, मैं कोई भगवान हूं नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि होगा ही, लेकिन इसके पहले मतलब जून तक मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए तब तक पेपर होता है तो आपके पास 3 से 4 महीने हैं। इतने महीने, मार्च अप्रैल मई, यहाँ पे मार्च अप्रैल मई, तो ये 3 महीना तो कम से कम है, 3 से 4 महीना मान लो आपके पास है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये बच्चे जो जिनका प्रीलिम्स अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है 50 के ऊपर आ रहा है, तो उन्हें तो भैया 3 से 4 महीने में एकदम तैयारी शुरू कर देना चाहिए, मेंस पे एकदम टारगेट रखना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं, जिनके नंबर कम है उन्हें तो और ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो व्यापम के अगर ये मैटर सॉल्व होगा तभी इसका मेंस वाला आएगा, तो उसके बाद व्यापम की भी तो अगले भैया चुनाव भी तो है ना, चुनाव भी तो नेताओं को जाना है, तो तुम्हें तो अपनी तैयारी तेज रखनी है ना। वो तो उनको क्या फर्क पड़ता, वो तो एग्जाम निकाल देंगे 45 दिन के अंदर, तो तुम तो पूरा हालत खराब हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हारे अभी 30 से 40 के बीच में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 30 से 40 के बीच में तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, और तुम सोचते हो कि व्यापम का कोई दूसरा एग्जाम आएगा तुम उसको भी क्रैक कर लोगे, कहां से क्रैक कर पाओगे? ये जो मेंस दे रहे हैं ना, जो तैयारी में भिड़ जाएंगे, वो फिर से देंगे वही व्यापम के एग्जाम को, तो उनका तो भैया ऑब्वियस ही बात है कि वो उस एग्जाम को भी फिल करेंगे, तो उनका इसमें भी सिलेक्शन, उसमें भी सिलेक्शन। तो आप लोग को क्या करना है दोस्त, कि अगर आपके मार्क्स 30 से 40 के बीच में हैं या फिर और कम है कोई दिक्कत नहीं है, या 40 और 50 के बीच में है, तो आपको तो प्रिपरेशन और तेज करना है, और पढ़ना तो यही पड़ेगा ना। व्यापम के एग्जाम में आता क्या है? इंडियन जीएस, सीजी जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, लैंग्वेज, ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली, ये सब चीजें तो आखिरी आखिरी में हम कवर कर लेते हैं, करंट अफेयर्स भी आखिरी आखिरी में कर लेंगे, लेकिन इतनी चीज तो पूछेगा ही ना, तो अपनी प्रिपरेशन को क्यों डिस्टर्ब करना। आप भी भैया इसमें लगिए, बल्कि आप और ज्यादा लगिए, उनसे ज्यादा पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि आपको व्यापम के एग्जाम अगर होंगे तो कौन कौन से होंगे। अब ये देखो, फिर से सवाल मत पूछना कमेंट करके कि सर कब होगा, भैया मुझे किसी को नहीं पता ये सच्चाई, आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें, बेहतर है कि आप अपनी प्रिपरेशन को करें। आपके हाथ में केवल एक चीज है, प्रिपरेशन। एग्जाम होंगे ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि जब आप तैयारी करने आए थे तो आप ये नहीं सोचे थे कि 2 महीना 3 महीना, ऐसे तैयारी नहीं किया जाता। तैयारी करता है तो एक इंसान जाता है, सबसे पहला क्या करना होता है, उसे पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है बेहतर कंटेंट के साथ। अगर वो गणित पढ़ रहा है तो इस तरीके से पढ़े कि उसका पूरा अच्छे से क्लियर हो। किसी भी एग्जाम में बैठे तो उसके पास बहाना नहीं होना चाहिए, मैंने इस एग्जाम का पढ़ा, उस एग्जाम का नहीं पढ़ा। आना तो वही अंकगणित है, वही एडवांस मैथ्स है, वही रीजनिंग आना है, वर्बल नॉन वर्बल, वही इंग्लिश आना है। तो ये आप सब्जेक्ट को अपना स्ट्रांग कीजिए, तो अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो व्यापम के जो एग्जाम होंगे, जैसे हॉस्टल वार्डन का काफी लोग बोल रहे हैं कि आने वाला है, बिल्कुल आएगा, एग्जाम चुनाव हो रहा है तो बहुत सारे वैकेंसी तो आएंगी ही, तो हॉस्टल वार्डन का हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम जो यहाँ पे व्यापम के आएंगे, तो उन सब एग्जाम के लिए भी तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं सोचने में कि सर मुझे बताओ होगा कि नहीं होगा? अरे जो भी होगा पूछने की जरूरत नहीं है, आपको लग जाना है हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने में, अपनी तैयारी में लग जाना है। ठीक है, मान लो अगर आपका, ठीक है, अगर आपका सपना ही था कि सर मुझे 2 स्टार चाहिए था, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना था, मुझे बाकी एग्जाम से लेना देना नहीं है, मुझे व्यापम से कोई मतलब नहीं है, मैं केवल SI का प्रिपरेशन करना चाहता था और CGSI में मेरा नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? तो दोस्त देखो, सबसे पहली बात, अपने आप को वर्सेटाइल बनाओ। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो CGPSC प्रीलिम्स की तैयारी करने आए थे, लेकिन वो रेलवे में सेलेक्ट हुए। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको, ठीक है, तो वो रेलवे में सेलेक्ट हुए हैं, वो SSC के एग्जाम्स में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, वो दूसरे एग्जामों में बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बतेरे एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स हैं उनका, उनके बारे में मैं अभी आपको, जैसे चंचल साहू, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जो अलग अलग एग्जाम को क्रैक किए, क्योंकि उनके अंदर एक वर्सेटाइल नेचर था, वो ऐसे एक चीज में लेके नहीं बैठे। और सबसे पहली बात, व्यापम का तो कैलेंडर जारी नहीं होता ना, तो जिसका कैलेंडर जारी नहीं उसी के लिए तुम परेशान हो भैया, उसकी तैयारी ठीक है आप, लेकिन अगर आप बेसिक सी बात है कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इंडियन जीएस हो गया, CGGS हो गया, CGGS हो गया, लेकिन आपने छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रॉब्लम है कि वो केवल एग्जाम पे देखिए आप एग्जाम, ठीक है अच्छी बात है, तो एको साधे सब सदे, ठीक है, सबको साधे कोई ना सदे, ऐसे करके कुछ कहावत है भैया, ये सब ठीक अच्छी बात है, लेकिन आज की डेट में एग्जाम का ही भरोसा नहीं है। तो आप कहे के लिए इतना परेशान हो, आप अपने आप को वर्सेटाइल करो ना, आप अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, जैसे आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो, रीजनिंग अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो, इंडियन जीएस अच्छा हो, CGGS अच्छा हो, लैंग्वेज में आपका छत्तीसगढ़ी बोली, हिंदी, ये सब को स्ट्रॉन्ग कर लो बच्चे, तो फिर जो भी एग्जाम होगा, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि जो बच्चों का 30 से 40 के बीच में फंस गए वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो मान लो उनका प्री क्रैक भी नहीं होता, कोई बात नहीं है। आप ये बताओ, आपने शायद एग्जाम का नाम सुना होगा, SSC का एक और होता है, वर्दी चाहिए ना, 2 स्टार चाहिए ना, वहां भी मिलेगा। SSC का CPO का पेपर होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अक्टूबर में होने वाला है। कब होगा? अक्टूबर में, अभी भी टाइम है। इसे सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है, दिल्ली पुलिस, CISF,
आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है ना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पुलिस फोर्सेस हैं उनके अंदर जो सब इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है वो बच्चे एसएससी सीटीओ का होता है। अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है इसमें। अभी सीजीएल का आप लोगों ने नहीं भरा था, 38,000 वैकेंसी हो गई है, इतना कम कट ऑफ, 114 नंबर कट ऑफ गया है। यही जब 2013-2014 की बात करें तो 5,000-7,000 मैक्सिमम इतना ही वैकेंसी आता था, इस बार 38,000 आया है दोस्त। और आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया अगर सीजीएल का फॉर्म फिल नहीं किया और क्रैक नहीं किया प्रीलिम्स का, क्योंकि इतने आसानी से हो जाता, हमारे कुछ बच्चे निकाले हैं इसमें प्रीलिम्स में। तो मुद्दा यह है कि अगर आपने सीजीएल छोड़ दिया, सीजीएल में भी तो वर्दी मिल रहा था एक्साइज इंस्पेक्टर के, तो वर्दी की अगर आपको चाहे तो भैया सीजीएल वगैरह भी, तो अभी कोई बच्चों को ऐसा डरा दिया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, कई लोग ऐसा बोलते हैं सीजीएल बहुत टफ होता है, सेंट्रल का पेपर है तो मिस्टेक, भैया ऐसा कुछ नहीं, हर एक एग्जाम अपने आप में स्टैंडर्ड होता है। क्या जो एग्जाम निकालते हैं व्यापम के वो बच्चे कमजोर है क्या? वो भी अच्छे खासे स्ट्रांग होते हैं, उनका भी अच्छा खासा सब्जेक्ट में कमांड होता है, ठीक है। आजकल कॉम्पिटिशन में आप कॉम्पिटिशन से मत डरिए कि सेंट्रल में ही स्टेट में, ऐसा कुछ नहीं होता, जॉब ही करनी है ना, गवर्नमेंट जॉब करनी है ना, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको एसएससी सीपीओ भी निकल रहा है तो ये भी आपको 2 स्टार देता है और सब इंस्पेक्टर आप यहां से भी बनते हैं, दिल्ली पुलिस का, सीआईएसएफ का, तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, और अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स कम है तो अक्टूबर में भैया ये पेपर होने वाला है, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो एक जीडी का भी तो पेपर होता है, वो फिर से होगा भी। अच्छी खासी वैकेंसी, 2024 में चुनाव है, देखना तुम भर देंगे एकदम वैकेंसी का पटोरा। और सबसे अच्छी बात है एसएससी टाइम पे एग्जाम ले रहा है, तो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सीपीओ वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा जो सब इंस्पेक्टर वाला होता है, क्योंकि यहां पे बच्चे, मैंने शुरुआत से ही जो मेरे बच्चे पढ़ रहे थे क्लासेस में, मैं उनको हमेशा बोलता था सीपीओ के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि उसमें भी सिलेबस में कुछ अलग थोड़ी है, यही चीजें पूछेगा, मैथ्स पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, इंडियन जीएस पूछेगा, ठीक है, सीजी नहीं पूछेगा, बस छत्तीसगढ़ जीएस नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, हमने पढ़ा हुआ है तो वेस्ट थोड़ी होगा, वो व्यापक में काम आएगा, लेकिन पूछेगा तो ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने मैथ्स कैसा पढ़ा है, आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या आपने एक एक घंटे दो दो घंटे में पूरे चैप्टर कंप्लीट कर दिए? क्या पढ़ना है तो पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, सारे कंसेप्ट करिए, और पढ़ने का तरीका क्या है, तो बच्चे इतना याद रखिएगा कि अभी आपके पास ये भी मौका है, ये भी मौका है, व्यापम के एग्जाम होंगे तो अच्छी बात है, मतलब आप कंटेंट पे फोकस कीजिए। और पढ़ने का तरीका देखिए, जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात इस बारी मेंस क्या क्या सभी के लिए मैं बता रहा हूं, देखो 100 क्वेश्चन लगभग रहेंगे, पेपर 3 की बात कर रहा हूं, सीजीएसआई मेंस की पेपर 3 में 100 क्वेश्चन से मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एसएससी मेंस खुद यहां पे 100 क्वेश्चन ही पहले पूछा था, तब तो पैटर्न उसने भी बदल दिया, बट ये आपको पुराना वाला पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो 100 क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता, पूछ ही नहीं सकता 100%, जब एसएससी नहीं पूछता था तो ये कहां से पूछेगा, ठीक है ना। तो ये 100 क्वेश्चन है बच्चे, कितने क्वेश्चन है दोस्त, 100 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स का है बच्चे, 200 नंबर का। तो अब आप ये बताइए कितने घंटे का पेपर, 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे का मतलब कितने मिनट का पेपर, 120 मिनट का। अब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के कोई नहीं कर पाएगा, भले उसको पूरा टॉपिक आता हो, अगर मान लो कोई टीचर भी है ना उसको सब आता है, प्रैक्टिस नहीं किया है नहीं ला पाएगा ज्यादा ना, कुछ ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा, सच्चाई है, बिना टेस्ट दिए बिना मॉक दिए हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी चैप्टर को, मैं मैथ्स की बात करता हूँ और रीजनिंग की बात करता हूँ, तो आप उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, सपोज कीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा, इसमें कम से कम 10 लेक्चर होते हैं, कम से कम बता, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसका 10 घंटे की क्लास कम से कम परसेंटेज की, उसमें सारे कंसेप्ट को कंप्लीट कीजिए, तो कंसेप्ट कंप्लीट करने से क्या होता है, आपके पास एक बढ़िया सा कंटेंट आ जाता है, मतलब उससे छूटे ना, उससे बाहर नहीं आ सकता, ऐसा कंटेंट आ जाता है। तो जब ये आपके पास कंटेंट आ जाए तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सीट अलग से लेना है, क्लास के क्वेश्चन को कम से कम 3 बार करना है जो आपको कंटेंट मिला, उसके बाद प्रैक्टिस सीट आपको सॉल्व करनी है, टीचर से मांगो जहां भी पढ़ रहे हो कि सर मुझे प्रैक्टिस सीट दो करने के लिए, या फिर आपकी आजकल इतना सोशल मीडिया और इतना ज्यादा कुछ हो चुका है कि आपको आराम से पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस सीट नहीं हो तो मेरे से मांग लो भाई, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट करो, प्रैक्टिस सीट करने के बाद कंटेंट मजबूत हुआ, प्रैक्टिस सीट किए, फिर आप उसका टेस्ट जरूर दें। टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक 10-10 क्वेश्चन वाला और एक 50-50 क्वेश्चन वाला, हर एक चैप्टर का। तो पहले 10-10 से शुरू करो, कि क्या होता है ना, जब टेस्ट देता है इंसान तो उसको वो कंसेप्ट दिमाग में आता है कि नहीं आता, तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, ठीक है। तो दिमाग में भी आना चाहिए, जो हमने पढ़ा है वो तुरंत दिमाग में आए, इससे क्या होता है डर खत्म होता है एग्जाम का, ठीक है। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और हर एक चैप्टर में यही, पहले कंसेप्ट, कंटेंट, प्रैक्टिस, टेस्ट, हर एक चैप्टर को इस तरीके से तैयार करो, जितना भी चैप्टर है सबको इसी तरीके से तैयार करो, केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका आपको टेस्ट देना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इतना करने के बाद जब आपका ये हो जाए, इंग्लिश में भी ऐसे ही रहेगा,
ठीक है। तो ये करने के बाद जब आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट होगा तो आप एक कंप्लीट टेस्ट जरूर देना, कंप्लीट टेस्ट पूरा, पूरा टेस्ट मतलब पूरा पेपर एक साथ हो 100 क्वेश्चन का, ये आखिरी में देना है और ये बहुत सारे पेपर देने पड़ेंगे, तो उससे आपका डर खत्म होगा कि आप देखिए कि 100 क्वेश्चन में आप कितना बना रहे हैं। जब बहुत अच्छा कर लेंगे तो हो सकता है आपने सब पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, तो भी आपके 60 से 70 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, 60 से 70 क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं, 60 से 70 हो रहे, करते चलो, करते चलो, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एक समय आएगा कि 100 के 100 बनाओगे। ये एक अप्रोच लेके चलो, मतलब आपके पास समय ही नहीं है भैया, चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ हो चाहे आपका पेपर प्रीलिम्स का खराब हुआ हो, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप यहाँ पे पूछें कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए समय नहीं है। आपके पास एक ही चीज के लिए समय है, पढ़ाई करते रहिए और तैयारी करते रहिए। एग्जाम बहुत सारे हैं, 2023 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर स्टेट का नहीं है तो सेंट्रल ने तो बहुत सारे वैकेंसीज निकाला है, कैलेंडर दिया है कब कब पेपर होगा, तो आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई इसकी। इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही है, इंग्लिश में तो बहुत समय लगेगा पढ़ने में क्योंकि हमारी इंग्लिश तो वैसे ही कमजोर है, हमें अभी ग्रामर में काम करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन में काम करना पड़ेगा, हमें वोकैब में काम करना पड़ेगा, तो इनके लिए आपके पास समय ही नहीं है इतनी सारी बातों का। तो मुद्दा यह है कि आपका कितना भी मार्क्स आ रहा हो बिल्कुल परेशान ना हो, आप प्रिपरेशन में भिड़ जाइए, पूरी ताकत से लग जाइए प्रिपरेशन में, और उसको एक बार इस बार इन मतलब एग्जाम को क्रैक करने तक रुकिए मत। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। हमने भी जब एग्जाम, हम लोग भी जब एग्जाम देते थे तो ऐसा नहीं कि हमारा पहले एग्जाम क्रैक हो गया, मेरा भी पांचवा छठवां पेपर निकला था, पहले पेपर में मेरा भी क्रैक नहीं हुआ था, प्रीलिम्स नहीं निकला था कई बार, एसएससी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, स्टार्टिंग में होता है, दिक्कत होता है स्टार्टिंग में, शायद आप अपनी चीजों को समझ नहीं पाते, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है। फिर मैंने सीपीओ का मेंस दो बार दिया, मैं तो दौड़ नहीं पाया। आप लोग के पास तो ये अच्छा है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के रहते हैं दौड़ने उड़ने में बढ़िया है, एकदम जबरदस्त है, तो आप अपने कंटेंट को मजबूत कीजिए ना। रनिंग तो आप कर लेंगे, उसमें एकदम एवरेज मार्क्स चाहिए, एकदम ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, एकदम एवरेज स्टूडेंट ही चाहिए उनको, तो आप उनको भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सीपीओ का प्री मेंस ये सब के लिए एकदम प्रिपेयर रहो, सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, और साथ में बच्चे एसआई के लिए एकदम, जो भी जो बच्चों का भले कम नंबर आ रहा हो लेकिन आप प्रिपरेशन को मत छोड़िए दोस्त। अगर आप प्रिपरेशन को छोड़ेंगे तो आप याद रखना केवल पछताएंगे और हमेशा यही सवाल इसी तरीके का कमेंट करते रहेंगे, सर मेरा होगा नहीं होगा। बच्चे जैसा भी हो कोई बात नहीं, हो गया उसको आगे का देखो ना। ठीक है, तो बच्चे यही चीजें बताने के लिए मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाया है, और इन चीजों को बच्चे बहुत ध्यान दीजिएगा और तरीके से लग जाइए। ठीक है, प्रिपरेशन पे लग जाइए। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो नीचे जो नंबर जा रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप जरूर कर देना, कोई भी दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है बच्चे, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सीपीओ के बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, और सीजीएसआई का मेंस का भी हमारा भी बैच आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बैच हमारा भी आ रहा है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि आज मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य कुछ और था, मैं आपके सारे सवाल का जवाब देना चाहता था। तो जो भी सवाल थे उम्मीद करता हूँ आप लोग का सारा यहाँ पे जो भी सवाल था वो क्लियर होगा, और मिलेंगे बच्चे अगले वीडियो में, अगला वीडियो सीपीओ से रिलेटेड लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारा थोड़ा जो भी सवाल था उनका जवाब मेरे थ्रू मिला होगा। ये हमारा केवल प्रेडिक्शन है बच्चे, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई बाबा नहीं है, अगेन बोलते हैं थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में।